जगह के नाजिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ स्कूल में आ चुके हैं। यहाँ जी मेरे साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आतिका मैडम यहाँ पर मेरे साथ है। आज के इवेंट के तालुक से मालूम करने की कोशिश करते हैं। मैडम आज जो इवेंट होने वाला है उसके तालुक से कुछ बताइए, आज कौन सा इवेंट होने वाला है, कैसा कैसा होने? ये 3 डेज आर्ट फेस्टिवल है, 7th चिल्ड्रंस आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी इन कोलैबोरेशन विद बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना पब्लिकेशन है अमर चित्र कथा, तो बच्चों में दिलचस्पी लाने के लिए रीडिंग, क्योंकि रीडिंग मिस हो गया है उसके लिए मतलब खास तवज्जो दे रहे हैं और उनको हम बॉम्बे से बुलाए यहाँ पर सेटअप करने के लिए, बच्चे खरीद सके और बुक्स पढ़ सके, वापस रीडिंग हैबिट रीडिंग कल्चर का जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग की जी। बच्चे रीड करना। अच्छा मैडम तो, यहाँ पर आज जो कल जो गेस्ट आए हैं कहाँ कहाँ से आए थे, आज कहाँ कहाँ से आने वाले हैं और स्टूडेंट्स कितने आने वाले हैं? हमारे ये 3 दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6000 बच्चे आने वाले, जो हर ईयर हमारे को ऐसे मतलब नंबर्स मिलते थे, इस साल भी हम लोग उम्मीद है हमारे को ऐसा और शायद ज़्यादा भी आ सकते हैं। कल का मेरे को लगता है 2000 या कुछ क्रॉस कर गए बच्चे, नंबर ऑफ स्कूल्स का मैं अभी मुझे पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ जैसा डार्क रूम सीरीज कर रहे हैं और इंस्टॉलेशंस है, डिस्प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मैं बारी बारी सब ले जाके बताऊँगी। और कल के हमारे डिग्निटरीज थे जैसा हुदा सर है DIG, XDIG और ख़ास तौर पे हम लोग सैवियो मैकरनस जो सुपंदी के जो क्रिएटर है उनको हम अमर चित्र कथा के ग्रुप डायरेक्टर है उनको बुलाए थे हम लोग, और भी काफ़ी आर्टिस्ट भी आए थे, सीनियर आर्टिस्ट जैसे मतलब कोई हर डिफरेंटली टैलेंटेड है हर बच्चा, तो कोई कॉस्प्लेस बोलकर है वो एक हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फिर स्टैंड अप कॉमेडी थी और हम लोग लाइफ साइज डॉल्स बनाए हुए हैं आर्टिस्ट के जो मशहूर आर्टिस्ट है वर्ल्ड रिनाउंड। अब हम लोग आपको मैं डार्क रूम्स के तरफ लेके जाऊंगी, स्पेशली क्यूरेटेड शोज है और इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जी, उनके काम पे हम लोग उसको कैसा बच्चों में दिलचस्पी, अगर मैं ऐसे ही उनको बता दूं तो दे मे नॉट बी सो एक्साइटेड, एक ऐसे ग्लांस करके निकल जाएंगे वहां से जी। बट उनको गहराई तक लेके जाने के लिए आई हैव डन अ स्पेशल दिस थिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर काफी जो है प्रिपरेशन हो चुका है, यहाँ पर काफी तैयारियां हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर आतिका मैडम भी यहाँ पर मौजूद है जी। मैडम ये बताइए कि इसके ताल्लुक से बताइए कि जो बैड आर्ट क्या होता है उसके ताल्लुक से बताइए। यस, बैड आर्ट म्यूजियम इज द ओनली वन म्यूजियम इन द वर्ल्ड। सो बैड आर्ट इज लाइक अ शॉकिंग थिंग ओनली फॉर पीपल, सो हाउ कैन बैड आर्ट बी एंड हाउ वी कुड, यू नो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस प्रॉपिंग अप इन आवर माइंड्स। So just to prove that, like I have, you know, taken some pictures from the Bad Art Museum and then we have displayed it. So the Museum of Bad Art is also called MoBA, is a privately owned museum whose stated aim is to celebrate the labor of artists whose work would be displayed and appreciated in no other forum. Bad Art Best art is only displayed. It was originally in Dedham, Massachusetts and is currently in Boston. Its permanent collection includes over 700 pieces of art too bad to be ignored, 25 to 35 of which are on display at any one time. MoBA was founded in 93 after antique dealer Scott Wilson showed a painting he had recovered from the trash to some friends who suggested starting a collection. Within a year, receptions held in Wilson's friend's home were well attended that the collection needed its own viewing space. The museum then moved to the basement of a theater in Dedham. Explaining the reasoning behind the museum's establishment, co-founder Jerry Reilly said in 95, while every city in the world has at least one museum dedicated to the best of art, MoBA is the only museum dedicated to collecting and exhibiting the worst. To be included in MoBA's collection, works must be original and have serious intent, but they must also have significant flaws. Significant flaws is, you know, one of the criteria of MoBA.
without being boring. Curators are not interested in displaying deliberate kitsch. So you should not try to make bad art. That has to be original. That is also another criteria. MoBA has been mentioned in dozens of the beaten path guides to Boston, featured in international newspapers and magazines, and has inspired several other collections throughout the world. Deborah Solomon of the New York Times magazine noted that the attention the Museum of Bad Art receives is part of a wider trend of museums displaying the best bad art. The museum has been criticized for being anti-art, but the founders deny this, responding that its collection is a tribute to the sincerity of the artist who preserved with the art despite something going horribly wrong in the process. According to co-founder Mary Jackson, "We are here to celebrate an artist's right to fail, fail gloriously." Fail gloriously is the main, you know, the content of this. So abhi jo hai, yes, now you have seen the Bad Art Museum. The Bad Art Museum pictures that we have, you know, researched and got it printed here, and we are displaying it. So after we heard, you know, that we are going to do a curated show of that, teachers who were not inclined towards art, they took the courage of saying, yes, okay, let my art at least be displayed in the Bad Art Museum. So this is how 83 teachers of the Birla International School, they created, they dared to show, yes, we can also do art, whether it's bad or what. So they took the courage of doing so many beautiful works. This is what Bad Art Museum for us is. जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो है काफी बच्चे यहाँ पर जमा हो गए हैं ये देखने के, डार्क रूम में जाने के लिए यहाँ पर बच्चे तैयार हो गए हैं। देखते हैं कितना एक्साइटेड है बच्चे जाने के लिए, अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या होने वाला है, अंदर कितना डरावनी है, कितना अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। आइए देखते हैं, अंदर ले चलते हैं आप। जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर डार्क रूम में आ चुके हैं, यहाँ पर जो है बच्चा है आने का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपके डार्क रूम में क्या होने वाला है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चों का रिएक्शन देखते हैं, बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। आइए देखते हैं, बुलाइए बच्चों। बच्चे आना शुरू हो चुके हैं अंदर। जैसा बने बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे कैसा डर रहे हैं देखिए। Go inside. जैसा कि जैसे हॉरर के यहाँ पर जो है डार्क रूम में ऐसे मौजूद है जहाँ पर बच्चे जो है अच्छा डरा करते हैं, वो डर निकालने के लिए ये रखा गया है। यहाँ पर जो है एक मेरे साथ है, यहाँ पर एक साथ What is this? Can you read? Can you guess their origin? Their organ. Movement 5.
called the scary room. The artist here, inspired artist, is Jim Kazanian. He's an Israeli artist. Basically, he collects lot of paintings, even from the archives, around 30,000. He doesn't shoot or, you know, record anything, but he takes tiny parts from each photograph and he has made it into collages like this. So these are all digital photographs he has assembled from various archive photographs and created one particular artwork. So to make the work interesting, we have, like, you know, we just look at the work in a fun manner, and here I wrote "Tragedy Strikes." Since this, I'll go to another picture here. This is a body of work where you can see an apartment kind of a building, but it has no base and it is hanging in the air. So what best? I thought it could be floating apartments at the moon, and we are all like trying to talk about the Chandrayaan 3 and our future expectations, whether we could all human beings survive on the moon. So I made a fun kind of a question. I made it floating apartments at the moon, address 777 BC Moonshine Complex, 32 degrees latitude opposite the US Circle District Milestone. This is just an imaginary address that I have conceived. Now I left it to the viewer. Can you think about an imaginary address for this apartment? So this was hanging in the air. Now we come back to the same thing. Now you see that tumbled, you know, that apartment, and it is all on flat on the ground. So what are the, you know, possibilities that the moon may face? As we are facing now in this present on the earth, we have lot of air pollution, and we are like doing a major campaign, save the earth, save the earth. So there may be a time when all the human beings, you know, get overpopulized there, like what we did in on the earth here, and there could be possibly another possibility of a tragedy. So I imagine, yes, tragedy strikes. Moonshine Complex, Bureau report. What could be the possible reason for the floating apartment to collapse? So it just crashed on the ground. So there's a clue that I gave. It could be the gravity imbalance. So write a news item regarding the tragedy. This is what, you know, I tried to create different, you know. So I created some very interesting questions, and we also added some fun with that. And like we have dangled some skeletons here. I tried to integrate with science, biology here, and a mysterious room here. So we see a skull here, created by the artist. So we added little music to it, a horror music, so that the entire experience of viewing the same artist, Jim Kazanian, here in a different setup here. So I think so we should leave the room now, because we have lot of audience here, and I should thank all my ghosts here, my monster friends here, who have, you know, giving that extra charm and that extra the attractions to the room. Thank you very much. Thank you so much. So much of buzz here, people are waiting. It's like a big movie opening here. People are ready to see the movie. That there is excitement growing up here. बहुत ही यहाँ पर जो दौर लगा है, बच्चों को एक्साइटेड है यहाँ पर देख के, जो उत्सव है बच्चों के लिए, जो कार्टून के वो चीज देखने के लिए तजुर्बा हासिल कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद. आइए, और भी ऐसी चीजें आपके लिए चलती है, आपने क्या है कि बताने कुछ आइए. चलिए आप लिए चलते हैं और एक यहाँ पर रूम, जैसे का नाम है डार्क रूम सीरीज. आइए लिए चलते हैं डार्क रूम सीरीज में क्या होता है, क्या
हम लोग नेक्स्ट रूम में यहाँ पर आए हैं, डार्क रूम में। यहाँ का जो है तजुर्बा जो है हमारे अतिका मैडम देंगे, यहाँ पर क्या चीज़ होती है डार्क रूम में, क्या चीज़ ऐसी रखी गई है, उस तलब बात करते हैं। जी मैडम, ये जो डार्क रूम बनाए हैं इसके तलब से बताइए। ये डार्क रूम का नाम हम रखे हैं स्वीट ड्रीम्स आर मेड ऑफ दिस। एक नेक्स्ट रूम में आए हैं, यहाँ पर जो एक डार्क रूम रखा गया उसके तलब से जो है आतिका मैडम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज होती है डार्क रूम में, क्या चीज होते हैं। मैडम आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि डार्क रूम क्या होता है। यस, टुडे वी आर लाइक इन दिस पर्टिकुलर डार्क रूम, इट इज वी हैव टाइटल्ड इट स्वीट ड्रीम्स आर मेड ऑफ दीस। सो देयर इज एवरीथिंग रिलेटेड टू यू नो स्लीप एंड वी वर्कड ऑन पिलोस। सो द इंस्पायर्ड आर्टिस्ट इज मरियम अक्षानियन, शी इज एन इरानियन आर्टिस्ट। And we can, you know, go ahead and look at her work. So she works on pillows. And those are like, you know, she created sculptures out of the pillows. Each pillow is differently sculpted. And they are all people who are taking a nap. And she's been creating this series to understand what dreams are, what sleep is. So if you could see, these are our tiny questions for our viewers here, so that they get familiarized with her work and go deeper and empathize with Mariam Akshanian's work. Sweet dreams are made of these kindness or killer idea. So when you go to sleep, what are the ideas you are generating? How do you dream? What kind of dreams do you have? So we kind of raise these kind of very simple questions. What does sleep mean to you? For somebody it could be a luxury, for somebody it could be, you know, relaxing time, somebody, you know, to think. And without sleep, human will have lot of issues. So sleep is an essential part, and these are all like we are trying to connect the art with the science over here. So when tired, sleep like bee. So it is up to you, what do you guess? You can answer that. Do you get the smells when you are in deep slumber, when you are thinking about, you know, you are dreaming, you feel you have a very colorful dream, maybe you are also eating jalebi in your dream. Do you get the smells? So there's a question to ponder about. Here we move to another one. Do you dream in color or black and white? Yes. What kind of dreams are those? Do you have a very colorful dream or a black and white? Because I dreamt for some time black and white. They are 18% of the population who dream in black and white, but mostly we all dream in color. So there's lot of research also been happening of late. Is your sleep a prayer? Are you connected with the divine? What are the things that, you know, happens in the dream? Lot of science and researches have been happening. Just ponder. This is a question for the viewers. They can answer for themselves. A practical one. We asked 200 children from the old city schools. They come under a federation called MPSF. They created 200 beautiful pillows. They are 200 beautiful emotions of young children. What does sleep means to them? So some said they prayed. That is the natural thing, well, what most of us do. There is gratitude when you are like about to go for bed, aspiring for their future. And there are somebody who are worried, you know, that day did not go well. So this is what, you know, we summarize during, you know, when you're taking off to bed. That we have installed canopy bed. Okay. So hum log abhi yahan par aaye, Birla Open Minds International School ka installation hai. Jaise wahan bacche 200 bacche old city schools ke pillows banaye, uske upar embroidery kare hai, अपने इमोशंस उस पर मतलब दिखाए हैं स्कल्पचर फॉर्म में। वैसे ही बिरला इंटरनेशनल स्कूल कोल्लूर जो है यहाँ पर करीब करीब 300 पिलोज यहाँ पर स्कल्प्ट किए हैं जी।
यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट करे हैं मैडम, ये प्रोजेक्ट जो है कितनी क्लास से कितनी क्लास के बच्चे प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करें? ये बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं जो ये वाला काम करे हैं, बिरला इंटरनेशनल स्कूल के हैं ये। ओके, तो जब काम हम करते हैं उसके बाद में भी उसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता। तो एक हम वहाँ पर कैनेपी बेड बनाए हैं, उसके बाद हम उसको ब्रेक करके यहाँ पर हम लोग एक हार्ट शेप फॉर्म किए हैं, बिकॉज हम स्लीप से हम जुड़े हुए चीजें मतलब इसमें इस एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करे हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बेड है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग थोड़े एलईडी लाइट्स वगैरह फिर लैंप्स वगैरह बनाए हैं। सो एक राउंड बेड है, यहाँ एक रेक्टेंगल बेड है, एंड दिस इज ऑल वी सेलिब्रेटेड अबाउट मरियम अक्षानियन एंड द स्लीप एंड आवर ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच। अभी जो आए हैं मैडम, इसके तलुक से क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है लेकर आए हैं इसके तलुक से? जी, यहाँ पर हम जमुना गारू जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे, एक्ट्रेस थे, उनको हम ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पोर्ट्रेट्स बनाए उनके पुराने मूवीज के यहाँ पर। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत एक डांस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह के, जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर डांस किया जा रहा है। ये जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ। पुराना जो गाने पुराने जो फिल्म्स होते थे उसके ताल्लुक से जमुना जी के मतलब डिफरेंट मूवीज है जो हिट हुए सो मूवीज है, एक एक मूवी का सॉन्ग यहाँ पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं जमुना जी का ही, सब लोग एक एक डिफरेंट हिट मूवीज के जी म्यूज सॉन्ग्स पे डांस कर रहे अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं ऑन योर प्लेट्स बोल के, यहाँ पर ये प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, ये प्लेट्स क्या होता है, ऑन प्लेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ब्रश वगैरह भी रखा गया है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है, उनसे भी मालूम करने की कोशिश करते हैं और ये पेंट जो कैसे किया जाता है उसके ताल्लुक से भी मालूम करते हैं कि मैडम ये जो ऑन द प्लेट जो रखा गया है ये प्लेट के ताल्लुक से ये ड्राइंग करें उसके ताल्लुक से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करिए कि क्या होता है ये। ऑन योर पैलेट इज हर कोई मतलब कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज अ चाइल्ड्स प्ले, तो जो नॉन आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब आर्टिस्ट नहीं होते उन लोगों का जनरली वो नोशन रहता अरे ये क्या है मतलब ये तो हमारे दाएं हाथ का काम है, हमारे बच्चे भी ये काम कर ले सकते जी। सो आज हम वो मिथ ब्रेक करना चाह रहे हैं, मिथ ब्रेक करना चाह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अब हम उनको एक जी। एक चांस दे रहे हैं, इधर आप बोल रहे हैं कि बच्चों का काम है तो आप करके बताइए। अच्छा, इसमें दो चीज है, आप अपने मन का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाइए और एक कलर पैलेट होती है, तो कौन से कलर्स को मिला के कौन सा कलर हम क्रिएट कर सकते,
तो आज उनको वो हम चैलेंज दिए है यहाँ पर, तो वो मिथ ब्रेक होने वाला है और हम जीतेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट इतने तजुर्बे के साथ ये काम करते हैं। आज उनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं ऑडियंस को हम जी, कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना, इसको एक्सपीरियंस लगता है इसके साथ। तो आज डिस्प्ले पे हम 18 पेंटिंग रखे हैं, ये पूरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री है, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट का वर्क है और बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट वर्क है। आज हम बच्चों को लाइव मतलब क्या होते हैं इंडिया के आर्टिस्ट उनको वो वर्क भी दिखा रहे हैं और उन लोगों का मिथ भी हम इसको आज उनको बताना चाह रहे हैं और उनको चैलेंज दिए हैं हम लोग आज। जैसा कि मेरे सामने यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे कुछ करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या बना रहे हैं बेटे आप? अच्छा ओके प्लीज यू कैन स्पीक इंग्लिश और व्हाट एवर लैंग्वेज, विच वन आर यू मेकिंग? द वन इन द ब्लू एंड द रेड वन। ओके अभी जैसा कि आपने बताया कि आतिका मैडम ने अभी बताया कि जो पेंटिंग आसान नहीं होती, ये बिल्कुल बात सही है। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके प्रोफेशनल जो है आप पेंटर बन सकते हैं, आप जो आर्टिस्ट बन सकते हैं कि जो है पेंटिंग कैसे की जाती है उसके ताल्लुक से आप जो है जान सकेंगे। वरना जो है अभी आतिका मैडम ने बताया कि जो पेंटिंग करना बहुत ही आसान होता है, बाएं हाथ का खेल है, ये बहुत बातें होती हैं मगर कर नहीं पाते। तो उसी के लिए वो नॉलेज से हासिल करने के लिए ये गैलरी रखी गई है, यहाँ पर बच्चे कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। So we'll all... Yes. Yes. And was it easy for you to make an abstract work just like the artist? Is something that people think it's easy. Yes. But to be honest, you need to have your whole heart, your feelings. So if you look at art in a way, you can find out the feelings of an artist according to the art he has created. Yes. And you know, to have an abstract, you know, to have the different shades and also that palette that he has used. And the kind of texture he has created, it is not an easy thing. When you try to do it, like you, there will be all patches and you know, yes, it is not blending at all. So it takes years of experience to come to this point. An artist starts with a realistic work and ends up creating such matured works. So this is the message that we give through this particular activity. ओके थैंक यू थैंक यू। प्ले विद प्लेट्स पहचान कौन, यहाँ पर एक गैलरी पे हम आए हैं, यहाँ पर काफी बच्चे एक्साइटेड है यहाँ पर देखने के लिए। जैसा कि बच्चे यहाँ पर रेडी अंदर जाके देखने के लिए, प्ले विद पहचान कौन, यहाँ पर कैसे पहचान होती है, किस तरह से पहचान होती है उसके ताल्लुक से बात करते हैं कि जो है यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ भी हैं, वो लोग काफ़ी अरेंजमेंट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। जैसा बच्चों का आना शुरू हो चुका है, जो मासूम से बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जैसे प्ले तो प्लेट जो है पहचान कौन बोल के नाम रखा गया, इस पहचान कौन का मतलब क्या है, क्या है? यस, पहचान कौन इज एन एक्टिविटी जी। हम लोग ये सारे वर्क जो डिस्प्ले पे है जी, सारे वर्क्स पूरे नेशन लेवल के आर्टिस्ट है, अगेन ऑल इंडिया प्रोफेशनल आर्टिस्ट के वर्क्स है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, कोई ऑक्शन आर्टिस्ट भी है इसमें, तो उनके बहुत सारे काम यहाँ पर रखे हुए है वही स्टाइल में। तो एक आर्टिस्ट जब काम करता एक पर्टिकुलर सीरीज तक उसके एक स्टाइल होती है, एक उनकी एक सब्जेक्ट होती है और उसके उनकी एक लाइन होती है। तो जब एक फेमिलराइजेशन आ जाती है आपको आर्ट में, तब आप बोल सकते हैं कि ये फला हुसैन साहब की पेंटिंग थी, रजा साहब अच्छा। की पेंटिंग थी। तो ऐसे हम लोग हमारे यंग आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट को काम लेते हुए बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं जी कि ये पेंटिंग किसकी है, ये पेंटिंग स्टाइल से क्या ये लोग पहचान सकते। तो ये जो पहचान कौन है, मैच द फॉलोइंग है, इन्हीं आर्टिस्ट के बहुत सारे वर्क्स हम जम्बल्ड अप करके रखे हैं, बच्चे जाकर मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हुए। अब जैसे कि ये देखिए बसंत भार्गवा का वर्क है यहाँ पर जी। तो बसंत भार्गवा के दूसरे वर्क्स भी हम लोग बच्चे आइडेंटिफाई करके उसको वही स्टाइल को उतने मतलब सारे जो हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं जम्बल्ड अप, उसको बारी बारी सुलझाते हुए उस स्टाइल के अंदाज से लेके आके
आप हर वर्क में देखिए अंदाज अलग अलग अंदाज उनके स्टाइल को पसंद करके मैच कर रहे हैं वो। अब देखिए इनको हम ग्लव्स के बगैर काम नहीं करवाते क्योंकि पेंटिंग इतनी मतलब इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट एंड इट इज अ ट्रेजर फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर द गैलरी पीपल। तो उसको हम वी यूज ग्लव्स व्हेन वी डू दिस एक्टिविटी। दैट इज व्हाट बच्चे हम सारे बच्चों को म्यूजियम नहीं ले जा सक रहे एक साथ बट फेस्टिवल के दौरान इन सारे चीजों के मतलब हम उनको एक सीख एक एक नसीहत दे रहे हैं कि नेक्स्ट उन लोग जब अपने आप जब या तो स्कूल की तरफ से या अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाएंगे म्यूजियम में इंडिया के बच्चे भी ऐसे रहेंगे कि बाहर के बच्चे जो म्यूजियम एजुकेशन होता है उस तरीके का एजुकेशन हम भी ये बच्चों को यस कोशिश कर रहे हैं। यस नन्हे मुन्ने बच्चे जो है पहचानना है कि जो है ये किसने बनाई है और कब बनाई है क्या बनाई है वो पहचानना है आप। ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ स्कूल के बच्चों के साथ से टीचर्स भी हैं। टीचर्स को कैसा लग रहा है ग्लव्स और क्या मैच करने वाले हैं मत बताइए मैडम आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्वेता वाजपेयी है मैं बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल कोल्लूर से हूँ और ग्रेड वन को पढ़ाती हूँ और जैसा कि अभी देख रहे हैं द चिल्ड्रन आर सुपर एक्साइटेड और मतलब वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं हर एक चीज़ में। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई हैं जैसे आप बाहर कहीं जाओगे तो आर्ट वगैरह उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो दे आर वेरी अननोन अबाउट इट सो लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इतनी वेराइटी देख के और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना अवेयरनेस हो रहा है बच्चों में के जो ये गैलरी देखकर जो पहचान को कितना बच्चों को तजुर्बा हो रहा है इस तरह से तो ये देख के ये सारी चीजें इनके लिए जैसा कि मैंने बोला कि नई है तो ये बहुत एक्साइटेड है देख के और आगे इनको आई होप कि बहुत सारा अलग नॉलेज मिलेगा सो दैट आगे जब ये देखेंगे तो इन्हें उस बारे में पता होगा जब ये अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो वो भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी चीजें लेकर आए हैं नई चीजें सीख रहे हैं नई चीजें देख रहे हैं। पेरेंट्स भी काफी खुश हैं ये टीचर का कहना है कि जो है ये चीज यहाँ पर जो है मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स हर स्कूल में हो हर जगह ये चीज बच्चों में अवेयरनेस लेकर आए बच्चों को होशियार करें। जो है आतिका मैडम क्यूरेटर जो डायरेक्टर है आर्ट गैलरी के जो है यहाँ पर जो बेड़ा उठाया है बच्चों में जो है आर्ट के ताल्लुक से अवेयरनेस करने के लिए ये जो अवेयरनेस करने के लिए जो मेहनत कर रहा है उसके ताल्लुक से मालूम करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो है ये कैसा दिमाग में आया कि जो है हम देख रहे हैं कि जो है तकरीबन तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ की जो है टीम ने उनके साथ पीछे लगे हुए ये मालूम करने के जो है तो क्यूरेटर मैडम जो है यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं उसका उसको कुछ मालूम करते हैं। मैडम ये बताइए कि जो है आप जो लेकर बेड़ा उठा के लेकर चल रहे हैं कितने साल से और कैसा आपके दिमाग में आया ये? तो हम हमारे प्रोफेशनल जर्नी तो हमारी एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट हुई थी बिजनेस जर्नलिस्ट जैसे फिर वहाँ से हम लोग हमारे सिस्टर जो आर्ट राइटर थे उन्होंने आतिया अमजद क्यूरेटर दायरा सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर उन्हीं के पार्टनर मतलब हम सोचे थे हम उसका बिजनेस एंगल देखेंगे पर जब हम जब वो फील्ड में आ गए यहाँ पर कोई अवेयरनेस कब आया 2001 में तो हमारा वहाँ से आकर देखे कि यहाँ कोई मार्केट ही नहीं है आर्ट का आर्ट का कोई एजुकेशन ही नहीं है तो हम तो कुछ बेच नहीं पाएंगे तब हमारा बिजनेस तो चलेगा ही नहीं बट मैडम का तो पैशन है तो मेरा भी मेरी जिम्मेदारी क्या होती तो ऐसा था कि आर्ट हम लोग कोई एका दुका आदमी आता था और कोई एक इंटरेस्टेड आदमी खरीदते थे तो जब हम रिसर्च करना शुरू करें बच्चों में मतलब प्राइमरी जो उनका एज होता है यूएस वगैरह में क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आर्ट वैसे भी मतलब थोड़ा सा पीछे होता हर जगह बट हमारे यहाँ तो बहुत ही पीछे था अवेयरनेस नहीं थी एम्पैथी नहीं थी और कुछ एजुकेशन नहीं था तो वहाँ पर क्या है छोटे बच्चों को म्यूजियम्स ले जाया जाता है हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे बचपन में भी
तो हम तब ऐसा स्टार्ट करना शुरू करें कि बच्चे को हम कैसा रीच आउट होना, इनके ताल्लुक से इनको आर्ट कैसा प्रॉपरली, ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर इनका एक सिलेबस भी नहीं था। और मार्क्स जब मतलब हम दूसरे सब्जेक्ट्स में हमको क्वालिफाई मार्क्स मिलते थे जो सीरियसनेस है दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, वो आर्ट में नहीं था। आर्ट होती थी क्लास हमारे, मतलब यहाँ बिल्कुल चले हॉबी क्लास जैसा, बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ हो जाता वीकली वंस तो, बट नहीं, इसकी मतलब एंटरटेनिंग वे में और एजुकेटिव वे में आर्ट को मतलब हम दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए साइंस सोशल से, तो लोगों को भी ये लगता कि मतलब चलिए आर्ट का मतलब हम रियल इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे थे। वहाँ से चिल्ड्रंस गैलरी को आफ्टर माई रिसर्च 2010 डेडिकेटेड गैलरी इन द कंट्री, ओनली वन गैलरी चिल्ड्रंस के ताल्लुक से हम लोग सिर्फ उनके डेडिकेशन के लिए ये बनाए हैं। और धीरे धीरे हम स्कूल्स को ऐसे उन लोग को हम सिलेबस देना शुरू करें। टीच फॉर इंडिया हमारा जो मैं सिलेबस बनाए थे इंडियन आर्टिस्ट को लेके, उनके काम से हम स्टार्ट, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर एक दिन 2016 में आर्ट फेस्टिवल्स का एजाज हुआ और आज देखिए हम लोग सेवेंथ चिल्ड्रंस फेस्टिवल। कितने स्कूल्स आपसे टाई अप है? टोटली ऐसा टाई अप्स तो ऐसा नहीं होते, हर इवेंट डिफरेंट होता है। फेस्टिवल में हमारे यहाँ 50 से स्कूल्स ऐसा मतलब जुड़ जाते हैं, ऐसा कोलैबोरेट करते हैं। आज पहली बार मतलब आज जहाँ ठहरे हैं ये बिरला इंटरनेशनल स्कूल्स है, इनके कोलैबोरेशन में आज ये हो रहा। वेन्यू उनका ही है, वो लोग मतलब हम लोग जैसे ओलंपिक्स होता है हाँ, तो वैसे हम हर स्कूल में एवरी ईयर हम लोग जैसा कि हम लोग देखे ना गैलरी में जा कर देखे जो है आप कलेक्ट करके लेकर आए यहाँ पर डिस्प्ले करे हैं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत रही है? यस, क्योंकि हम बच्चों को आर्ट के ताल्लुक से आर्ट हम बता के उनको बोर भी नहीं करना चाह रहे थे, बट हमारा कॉन्शियस एफर्ट था कि उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट का वर्क बच्चे देखें। तो आप जैसे डिफरेंट डार्क रूम सीरीज करे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद में जो दूसरे पहचान कौन देखे हैं, तो इसको इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको प्रोजेक्ट करे हैं, तो वो आई थिंक सो आप लोग ये वीडियो में आप जी, जी, आपको जी, समझ में आ जाएगा सारी चीज। ये बहुत बड़ी बात है मुझे जो है यहाँ पर आतिका मैडम सुबह 6 बजे से लेकर रात तक इसके पीछे लगे हुए हैं काम को अंजाम देने के लिए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है बिना बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए, बच्चों को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं ताकि जो है बच्चों में अवेयरनेस हो। ऐसे ही दिन आपको बताते रहेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह।